पाकिस्तान की कहानी जारी है। हम पिछले किस में बात कर रहे थे कि 1954 में कैसे दस्तूर साज असेंबली को गवर्नर जनरल ने बरतरफ कर दिया। अभी पाकिस्तान जमहूरियत की पटरी पर चढ़ा ही नहीं था कि आइन बनाने वाली असेंबली ही तोड़ दी गई। चूंकि ये असेंबली 1935 के बरतानी एक्ट की वजह से तोड़ी गई थी, तो सबसे बड़ी कोशिश इस असेंबली को बहाल करने की इस असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन ने की। मौलवी तमीजुद्दीन ये मसला लेकर सिंध हाईकोर्ट चले गए और दरखास्त की कि असेंबली को दोबारा से बहाल किया जाए। उनका मौकफ यह था कि 1935 के आइन के तहत एक आजाद मुल्क की जमहूरियत, जो कि अभी जमहूरियत की पटरी में चढ़ी भी नहीं है, तो उसके असेंबली को नहीं तोड़ा जा सकता। सिंध हाईकोर्ट ने असेंबली बहाल कर दी। आरजी तौर पर जमहूरियत की जीत हुई और एक उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान अब जमहूरियत की पटरी पे सही तरीके से चलेगा। लेकिन ये उम्मीद जल्द ही दम तोड़ गई जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाईकोर्ट का फैसला कलम करार देके असेंबली दोबारा तोड़ दी। ये सब हो रहा था लेकिन उनकी सेहत मजीद खराब होती जा रही थी, लेकिन वो इकदार की कुर्सी के साथ चिपके हुए थे। इस दौरान जनरल अयूब और सिकंदर मिर्जा ने इनको जबरदस्ती बैरून मुल्क इलाज करवाने के लिए भेजा और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया। पुराने गवर्नर जनरल के जाने के बाद सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के नए गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। बाहर जाने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद सेहतयाब तो ना हो सके, लेकिन एक साल बाद इंतकाल कर गए और अपने खाली की हकीकत को जान लिया। पुराने गवर्नर जनरल जिस तरह पाकिस्तान को तबाही की सूरत हाल में धकेल के गए, नए आने वाले गवर्नर जनरल ने भी इसमें कोई कसर ना छोड़ी। ना उन्होंने आने के बाद आइन बनाने में कोई दिलचस्पी जाहिर और ना ही मशरिक़ी पाकिस्तान में बिगड़ते हुए हालात को काबू में पाने की कोशिश की। अगरचे सिकंदर मिर्जा का अपना ताल्लुक भी मशरिक़ी पाकिस्तान से था।